हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। मेरे नाम है अली और आप मुझे देख रहे हैं कहां पर? एक बार फिर से बोल, कहां पर? यूट्यूब पर। कहां पर? रहने भाई, रहने, तुझसे नहीं हो पाएगा। जब हम एस टी क्यू ले रहा हूँ उसका रीजन सबको पता है। पिछली वीडियो के अंदर वकार जका ने इसको इस्तेमाल करा, लड़कियों को गालियां बकवाई, नाजेबा अल्फाज जो है वो लड़कियों के लिए इस्तेमाल करवाए इस बंदे को यूज करते हुए। इसको इतनी सी अकल नहीं है, इसको इतना सा पता नहीं है कि ये सिर्फ यूज हो रहा है। ये समझ रहा है बड़ा शौक से वकार जका शो करता है, वो मेरी वीडियो बना बना के अपने चैनल के ऊपर डाल रहा है, वो सिर्फ डॉलर छाप रहा है और तुझे सिर्फ यूज कर रहा ताकि उसका नाम खराब ना हो। गालियां तू दे रहा है, वो सिर्फ अपलोड कर रहा है, उसका क्या? वो तो बोलेगा मैंने तो कुछ बोला नहीं है। जो रिएक्शन था, मैं तो टीम का ओरिजिनल रिएक्शन रिकॉर्ड कर रहा था, मैंने थोड़ी कहा था किसी को गाली देने के लिए। वो तो रिएक्शन रिकॉर्ड करवा रहा है, मैं तो रिएक्शन डाल रहा हूं, इसमें मेरा क्या कसूर है? और हमारी आवाम उसको देख रही है, इस वजह से मैं इसकी ले रहा हूं। बोल चैंपियन एपिसोड 17 पे आने से पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग चिल्ला रहे थे, जो लोग पूछ रहे मुझसे राबेल का क्या हुआ, भाई तो राबेल के मुझे था चाहने वाले, कुछ नेगेटिव वे में नहीं बात कर रहा मैं, लेकिन राबेल के जो फैन फॉलोइंग है, राबेल के जो चाहने वाले हैं बहुत ही ज्यादा और बहुत ही खुश हुई ये देखकर के पॉजिटिव वे में भी बहुत ज्यादा लोग जो वो चाहने वाले हैं पॉजिटिव वे में क्वेश्चन करते हैं कि यार राबेल का क्या हुआ, राबेल तो बाहर नहीं हो गई, राबेल कहाँ है, राबेल ये राबेल वो। तो मिस राबेल अगर आप सुन रही हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी फैन फॉलोइंग पहले भी होगी, बकौल आपके आप एक मॉडल है, एक बहुत अच्छी एक्ट्रेसेस भी होंगी और हो, बहुत अच्छी बात है। और आपकी फैन फॉलोइंग जो है वो बहुत अच्छी है, मैं आपको बता रहा हूँ, तो बहुत अच्छी बात है जनाब, आपकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, आपके फैन जो है वो मेच्योर है, अच्छे क्वेश्चन करते हैं। तो उन लोगों को मैं बता दूँ, राबेल जो है वो टॉप फाइनलिस्ट में है। जी हाँ जनाब, खुश हो जाइए, और नहीं मानना अगर किसी को तो वो ना माने, राबेल जो है वो टॉप फाइनलिस्ट में पहुंच चुकी है। अच्छा, बोल हाउस जो है ना वो शूट हो चुका है, आपको ये ना समझे कि यार ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है, बोल हाउस शूट हो चुका है, फिनाले रह गया है, वो मैं आपको बता दूंगा जब शूट होगा। आप आने वाले एपिसोड के अंदर एक एपिसोड में कुछ झलकियां या पूरा एपिसोड देखेंगे सी साइड के ऊपर, एक समंदर किनारे आप एक शो देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंदर क्या होगा, और बहुत सारे आप साइन बने हुए देखेंगे, बहुत सारी चीजें आप देखेंगे सी साइड पे, जो मुकाबला होगा उसमें कौन आउट होगा कौन इन होगा, ये सारी बातें भी आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आपके लिए जानने के लिए इतना काफी है कि सी साइड के ऊपर भी आप मुकाबले देखेंगे। तो आप थोड़ी सी बात कर रहे थे इस शख्स की, इस बेचारे को नहीं पता कि ये सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है, इसका कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, वकार जका इसकी वीडियो बनाता है डाल देता है, ये लड़कियों को बुरा भला भी कहता है, गाली बकता है, अपनी क्या क्या नमूने गिरियां करता है, और उसके बाद इसको इस्तेमाल किया जा रहा है सिर्फ अपने फेम के लिए, इसको इस्तेमाल किया जा रहा है सिर्फ डॉलर्स के लिए, इसको इस्तेमाल किया जा रहा है कि मैं यूट्यूब से थोड़े से पैसे बना लूं, और कुछ भी इसके अंदर नहीं रखा। तो जनाब बताना आपको सिर्फ इतना सा था कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ये बोल चैंपियन एपिसोड 17 की थोड़ी सी अपडेट थी आप लोगों के लिए। बहुत से लोग बाहर हो रहे हैं, बहुत से लोग इन हो रहे हैं, राबेल जो है मैं आपको बता दूं जो उसके चाहने वाले थे वो टॉप फाइनलिस्ट में पहुंच चुकी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर फॉलो करना ना भूलें, आईडी यहां पर आ रही होगी। फॉलो करने का फायदा क्या होगा, क्योंकि मैं PSL के 2 टिकट्स जो है वो गिव अवे कर रहा हूँ फाइनल के। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेंगे और मुझे टिकटॉक पे फॉलो कर लेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आप नॉमिनीज के अंदर शामिल हो जाएंगे, तो हो सकता है कि आपका नाम निकल आए। 2 टिकट्स हैं मेरे पास सिर्फ, आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी रहते हो मैं आपको शिप आउट कर दूंगा। तो कहना सिर्फ इतना ज्यादा कर देंगे तो नॉमिनीज में शामिल हो जाएंगे। अगर आप कम मूड नहीं है फाइनल देखने जाने का तो लेकर किसी दोस्त को दे दीजिएगा, और ये भी मूड नहीं है तो आप एक काम करें सिर्फ फॉलो कर लें और टिकट ना लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। और कहना ये चाहता हूँ कि मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, और छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है कोरोना वायरस के ऊपर। तो कोरोना वायरस के ऊपर मैंने वीडियो बनाई कि ये होता क्या है, ये फैलता कैसे, इसे बच कैसे सकते हैं डॉक्टर किरण शफीक खान के साथ। ऐसी वीडियो के ऊपर जो है व्यूज थोड़े से कम आते हैं, तो मैंने कहा इस वीडियो के अंदर थोड़ी सी प्रमोशन कर दूँ, वीडियो आ रही होगी यहाँ कहीं पर, तो इस वीडियो को भी जाकर देखें। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।